हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग, आई होप अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस क्या है कि आज है संडे और ये वीडियो संडे स्पेशल होने वाला, मतलब कोई ब्लॉग आज शूटिंग कर रहे हैं। और गाइस आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि वो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा काबिलियत इंसान है। मतलब वो गाइस क्या है कि वो पहले एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, देन वो यूट्यूब चैनल खोला और यूट्यूब पे टेक चैनल था उनका और यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब धीरे धीरे उसको, मतलब लाइफ में सभी को स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल के बिना कुछ भी नहीं मिलता है, चाहे आप कोई भी फील्ड से हो, चाहे कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, विदाउट स्ट्रगल आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो गाइस वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया और आज वो सबसे बड़ा यूट्यूबर बन गया, मतलब जिसका बात करने जा रहे हैं वो है एक मनोज दे। जी हाँ गाइस, मनोज दे जिसको कि आप लोग सब जानते होंगे और वो यूट्यूब के बारे में सजेशन देते हैं, बताते हैं और यूट्यूब के बारे में नॉलेज देते हैं। तो गाइस क्या कि उनके बारे में बहुत सारे अफवाह फैल जाते हैं, मतलब उनके बारे में और उसके बाद ज्योतिश्री, मतलब वो दोनों के बारे में काफ़ी ज़्यादा अफवाह फैलाते हैं। तो गाइस क्या कि हम लोग एक लाइक के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में, सब्सक्राइबर ना जाने फॉलोअर्स के चक्कर में कितने सारे गलतियाँ करके बैठ जाते हैं। तो गाइस ये गलत है, किसी अपने लिए किसी का लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। तो गाइस क्या कि मनोज दे और ज्योतिश्री फाइनली उनका शादी हो चुका है। तो गाइस सबसे पहले उन दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो गाइस उनका शादी हो चुका है। जी हाँ गाइस, एक्चुअली उनका शादी कोलकाता में हुआ है और उनके दोस्त लोग भी थे वहाँ पे और उनकी फैमिली नहीं थी, क्योंकि उनकी फैमिली उनको उनके खिलाफ थी, उनको सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि वो सोचते थे कि मतलब आसपास गांव समाज क्या सोचेंगे, मतलब गांव समाज में होता है ना, मतलब कुछ कुछ सोचते हैं तो मतलब इतना गलत सोचते हैं। तो उनकी फैमिली, दोनों की फैमिली राजी नहीं थे, तो उनको भी डर लगता था कि गांव समाज क्या बोलेंगे। तो इसी कारण उन दोनों ने मतलब अपने माता पिता के खिलाफ मतलब जाके वो कोलकाता में शादी कर लिए। देन कोई बात नहीं, होता ऐसा। तो गाइस मैं आप लोगों से यही गिनती करना चाहता हूँ कि अब उनका शादी हो चुका है तो आप लोग भी ऐसा कोई अफवाह मत फैलाइएगा, उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि गाइस वो भी एक टीचर ही है, एक तरह से गुरु के समान ही है, क्योंकि वो यूट्यूब के बारे में नॉलेज देते हैं और उनसे हम लोग सीखते हैं। तो उनको बदनाम करना अच्छी बात नहीं, वो गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो गलत नहीं कर रहे हैं, अगर गलत करते तो अलग बात थी, बट गलत नहीं कर रहे हैं। तो गाइस इतना ही, ये वीडियो एक्चुअली संडे स्पेशल था, मैं इतना ही आप लोग से बोलना चाहता हूँ। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर।